पशुपति पारस जो है उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। बता दें कि वो पार्टी कार्यालय में है और पार्टी कार्यालय का हम आप सबको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं और मीडिया से कुछ भी बोलने के लिए नकारे हुए, चुप्पी साधे हुए हैं। साफ तौर पर जो कहे जाए तो पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा, क्या वो इंडिया गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे या फिर महागठबंधन है महागठबंधन की ओर जाएंगे। ऐसे में साफ तौर पर बता दें कि पशुपति पारस उसी कुर्सी पर बैठते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तस्वीर जो देख रहे होंगे कुछ भी मीडिया से बोलने के लिए नकार रहे हैं पशुपति पारस। उनका अगला कदम क्या होगा, क्या वो जो एनडीए से उनका मोह भंग होने के बाद वो क्या फिर से जो पशुपति पारस जो हैं क्या इंडिया गठबंधन जो है उनके तरफ जाएंगे या उनके तरफ से भी लगातार लोग नेता प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के लोग भी जो हैं इनको समझाने में आए हुए हैं, संजय पासवान हैं, ऐसे तमाम जो नेता हैं जो लोग आए हुए हैं। साफ तौर पर जो तस्वीर देख रहे हैं पशुपति पारस जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और पशुपति पारस जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं कि अभी भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं करे कि शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद सारा बात क्लियर करेंगे कि आखिर कहाँ जाएंगे। तमाम तरीके का वो हैं लोगों से तमाम जो कई नेताओं से जो है संपर्क साध रहे हैं कि कहीं बात बन जाए। बता दें कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो पशुपति पारस का अगर बात कर ली जाए तो पशुपति पारस जो है कह रहे हैं कि हाजीपुर जो सीट है हाजीपुर सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही किसी भी हर हाल में, वहाँ से कुछ भी हो जाए उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो कही जाए तो पशुपति पारस जो है अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। साफ तौर पर जो तस्वीर जो देख रहे होंगे पशुपति पारस उसे पे बैठे हुए उनके कार्यकर्ता कई लोग हैं, उनके साथ साथ जो उनके सुरक्षा में जो तमाम जो अधिकारी मौजूद रहते हैं वो लोग हैं और कार्यकर्ता भी यहाँ पे हैं उनके साथ में। वहाँ पे नीचे में उनकी गाड़ी लगी हुई है और उसके बाद जो पशुपति पारस हैं अभी तक उनके कई नेताओं यहाँ पे आ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से भी आ चुके हैं, साथ ही साथ CPIM के भी तरफ से कई नेता आ चुके हैं। उसके साथ साथ RJD के नेताओं का यहाँ पे किसी को भी देखा नहीं गया कि RJD के नेता भी आए हैं, लेकिन तमाम जो नेता हैं तमाम तरीके का जो नेता है साधने में लगे हुए हैं। पशुपति पारस देख रहे होंगे पशुपति पारस जो हैं अब अपने चैम्बर में अंदर चले गए हैं। साफ तौर पर जो है इस तरीके से जो उनके जो चैम्बर हैं वहाँ पशुपति पारस चले गए हैं और ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो अब पशुपति पारस का अगला जो कदम क्या होगा, क्या भविष्य उस भविष्य जो उनका खतरे में है उसको खतरे में देखते हुए पशुपति पारस ये तमाम तरीके का जो है अब अटकलें लगाई जा रही है कि पशुपति पारस की अगर बात नहीं बनती है तो क्या वो जो पांच सीट है पांच सीट पे जो दावेदारी कर रहे हैं क्या वहाँ पे जो उनके साथ जो कैंडिडेट हैं कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ेंगे या फिर पशुपति पारस जो अकेला पड़ जाएंगे। क्योंकि जो बता दें कि पशुपति पारस जब भी यहाँ रहते थे तो उनके साथ साथ उनके जो भतीजे हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज वो भी रहते थे, उसके साथ साथ चंदन सिंह सूरजभान सिंह ऐसे जो तमाम जो नेता हैं उनके साथ में रहते थे। लेकिन आज कोई भी नेता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर जो है पशुपति पारस का अब जो सभी नेताओं से मोह भंग हो गया। पशुपति पारस किसी को भी पशुपति पारस को कोई भी सहारा नहीं दे रहा है। ऐसे में पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा वह सबकी निगाह टिकी हुई रहेगी। सहयोगी शख्स के साथ विवेक रंजन निवास को पटना।